शराब सीन्स कुछ ऐसे हैं। आज की वीडियो बनाने के लिए मुझे कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था, लेकिन एज प्रॉमिस्ड, जैसे मैंने कहा था कि अपनी फैमिली के लिए मैं एवरी डे आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो और अदरवाइज ऑल्टरनेट और इन अ वीक ट्वाइस और थ्राइस। तो ऐसे दिनों के लिए जब मुझे कंटेंट मिलता नहीं है, तो मैंने एक हैक निकाला है जिसमें कि मैं छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने चूज किए हैं और उन टॉपिक्स को लेकर के मैं 1-to-1 वीडियो बना सकता हूँ। तो आज की जो वीडियो है काइंड ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप भी व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर आपको वीडियोस बनाने का शौक है, या फिर आप फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आई थिंक दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माय व्लॉगिंग सेटअप विद यू ऑल। और जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप है बहुत ही बेसिक है, तो मैंने 3-4 बुलेट पॉइंट्स लिख के रखे हैं इस पेज पे, तो मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले अगर आप भी व्लॉगिंग करना चाहते हैं, या फिर आप वीडियोस बनाना चाहते हैं, या फिर फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर आपके पास भी ऐसे इश्यूज या फिर ऐसे एक्सक्यूजेस माइंड में बिल्ड होते हैं कि यार मेरे पास तो कैमरा नहीं है अच्छा, मेरे पास तो लाइटिंग सेटअप नहीं है, मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, मैं कैसे बनाऊं, जब होगा तब बनाऊंगा, तो ब्रदर एंड सिस्टर आराम से बैठिए, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए और एक्सक्यूजेस बनाना बंद कीजिए, क्योंकि मैंने भी पहले ऐसी गलती की थी। लेकिन जो भी आपके पास है, अगर आपके पास पॉकेट में फोन है तो उसे निकालिए, और अगर वो आपका फोन अच्छे कैमरा फोटोज खींचता है, अच्छी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है जिसमें कोई खलल नहीं है, और अगर आपकी जो आप बोलते हैं वो अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता है, तो बस और क्या चाहिए आपको। ट्राईपॉड के लिए आपका हाथ ही काफी है, माइक्रोफोन आपके फोन पे ही रहता है, तो एक्सक्यूजेस मत बनाइए, वीडियोस बनाइए, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं अपना व्लॉगिंग सेटअप आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मेरे व्लॉगिंग सेटअप में कोई DSLR कैमरा नहीं है, मेरे पास भी एक पॉकेट फोन ही है जो कि डिसेंट सी वीडियो क्लिक कर लेता है, और ये फोन है एप्पल आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब लोग बोलेंगे कि बाप रे इतना महंगा फोन, और कह रहे हैं कि कैमरा नहीं है लेकिन फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा तो बनता है, लेकिन थोड़ा सा तो बनता है शो ऑफ करना। तो iPhone 12 Pro Max में वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ, बिकॉज इसकी जो वीडियो क्वालिटीज हैं वो बहुत ही अच्छे, बहुत सारे DSLR कैमरास से भी अच्छी है। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हैं जो कि Apple की साइट से ही है, तो इनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग के जो पॉइंट्स हैं, जैसे कि HDR में ये वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है विद Dolby Vision 60fps में, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग एट 24fps, 30fps एंड 60fps, और आप देख लें ये कितना सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैं इतना सारा पढ़ने का कोई शौक नहीं रखता हूँ, ना ही आप मुझे देख सकते हैं इतना देर मैं अगर इसे पढ़ूंगा, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, आप जाइए और देखिए इस कैमरा की, इस फोन के कैमरा की जो भी क्वालिटीज है, फीचर्स है, वो कैसे है। तो पहली बात तो हो गई कैमरा, या तो आपके पास कोई भी डिसेंट सा कैमरा हो। दूसरी बात माइक्रोफोन होना बहुत जरूरी है। अब इस फोन पे मैंने अभी तक कोई भी एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाया नहीं है, बिकॉज इस फोन में डिसेंट सी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी नॉइज, कुछ भी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जैसे अगर आप बाहर जाते हैं, कोई शोर शराबा हो रहा है, या फिर कहीं पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और अगर आप वहां पे अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ऑडियो जो उसका है वो इतने अच्छे तरीके से आता नहीं, उसमें काफी ज्यादा नॉइज हो जाती है, तो उसके लिए एक्सटर्नल माइक्रोफोन लगाना बहुत जरूरी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फ्यूचर में बहुत ही जल्द मैं अपने ब्लॉगिंग सेटअप में एक माइक्रोफोन भी ऐड करूंगा। थर्ड इज ट्राईपॉड, किसी भी तरीके का स्टेबलाइजर, एक स्टैंड जो कि आपके फोन को एक पोजीशन पे रखे, जैसे कि मैंने एक गोरिल्ला ट्राईपॉड लिया हुआ है। अब मैंने कहाँ से लिया, या तो आप इसे वीडियो में देख लें, जो कि मैंने यहाँ पर ऊपर आई बटन पे डाल दूंगा, आप उस वीडियो को जाके देखें, अदरवाइज लिंक एक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अमेजोन पे, और वहां पे भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो ट्राईपॉड है, दिस इज फ्रॉम डिजिटेक्स ट्राईपॉड, एंड आई थिंक इसका कॉस्ट समवेयर नियर 300-400 रुपीज है, और अगर ऑफर चल रहे होंगे तो यू माइट गेट लकी, आपको डिस्काउंट भी मिल सकते हैं। एंड द फोर्थ पॉइंट इज लाइटिंग। अब लाइटिंग सेटअप, मेरे पास ये एक रिंग लाइट लगा रखी है मैंने, और कुछ भी नहीं है। अगर मैं एक रूम के अंदर बैठ करके आपसे 1-to-1 वीडियो आपके लिए बना रहा हूं, अदरवाइज बाहर पे नेचर्स गॉड गिफ्ट जो कि नेचुरल लाइट है, तो बस उसका फायदा उठाइए, एक्सक्यूजेस मत बनाइए, वीडियो बनाइए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा।
उसके बाद आते हैं, ये सब तो थे हार्डवेयर्स। अब बात आती है सॉफ्टवेयर की, जो कि है वीडियो एडिटिंग टूल, म्यूजिक और एडिटिंग स्किल्स। तो मैं अपनी सारी वीडियो एडिट करता हूँ इस पे। तो ये है एक आईपैड एंड इस पे वीडियो एडिट करते हुए मुझे हो चुके हैं काफ़ी वक्त, जब से मैंने ये ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। और जो मैं एडिटिंग टूल यूज़ करता हूँ, दैट इज़ लूमा फ्यूजन, जो कि आईपैड और आईफोन या फिर आईओएस के लिए बेस्ट एडवांस्ड एडिटिंग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद म्यूज़िक, मैं अपने सारे म्यूज़िक लेता हूँ नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक से, जो कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एक तो यूट्यूब का अपना ही क्रिएटर स्टूडियो है, जहाँ पे आप कॉपीराइट फ्री म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप साउंड क्लाउड में भी जा सकते हैं और साउंड क्लाउड पर जा करके काफ़ी सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक प्रोड्यूस करते हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। और ये जो भी मैंने आपको बताया, ये सारा तो एक तरफ था, असली गेम तो है एडिटिंग स्किल्स। वीडियो आप चाहे कैसी भी रिकॉर्ड करें, लेकिन जब आपको उसे एडिट करना अच्छे से नहीं आएगा, तब तक सारे पैसे बर्बाद हैं। तो इसीलिए सारे पैसे इस वीडियो में एडिटिंग स्किल्स के हैं। तो अगर आप एडिटिंग स्किल्स सीखना चाहते हैं, तो YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो एडिटर्स हैं जो अपने कोर्सेज आपसे शेयर करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कुछ ऐसे एडिटर्स हैं जो मुझे पसंद है, तो मैं उनका लिंक ज़रूर डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप जाके उन्हें ज़रूर चेकआउट करें। और दैट्स इट, बाकी यही पॉइंट्स थे। और आपका ब्लॉगिंग सेटअप पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के साथ। तो बस यही थे मेरे कुछ टिप्स अबाउट माय ब्लॉगिंग सेटअप। तो जाइए और वीडियोस बनाइए, क्योंकि जल्द ही इस दुनिया पे एक नया यूट्यूबर, एक नया व्लॉगर, एक नया फिल्म मेकर शायद जन्म लेने वाला है, और आई थिंक वो आप ही हैं। सो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, अगर पसंद आया तो प्लीज जाइए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट कीजिए नीचे कि आप कैसी वीडियोस और देखना पसंद करते हैं और फ्यूचर में कैसी वीडियोस चाहते हैं। और इतना ही ज़्यादा पसंद आया तो मन करे तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। तो मैं जाता हूँ, तभी तो कल आऊँगा आपके पास फिर से। तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू फ्रेंड्स, पीस आउट।